मोरबी हादसे के घायलों से मिलने के लिए आज पीएम मोदी मोरबी जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले मोरबी के अस्पताल को सोमवार की रात चमकाया जाने लगा। बरसों से जो सुविधाएं नहीं थी वो सब जुटने लगी। इस रंगाई पुताई पर सियासी सवाल उठ रहे हैं। एक सौ 34 जिंदगियां ले लेने वाले इस हादसे पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक तीखे सवाल उठा रही है, और अब जब खुद पीएम नरेंद्र मोदी आज मोरबी जा रहे हैं तो सियासत कुछ और तल्ख हो चली है। खासतौर पर इस रंग रोगन को लेकर जो मोरबी के सिविल अस्पताल में हो रही है। चौबीस घंटे पहले तक यहां घायलों की भीड़ से हालात खराब थे, लेकिन पीएम के दौरे के ऐलान के साथ ही यहां तेजी से हालात बदलने लगे। कहीं रंगाई पुताई होने लगी तो कहीं नए वाटर कूलर रखे जाने लगे। अस्पताल का कोना कोना चमकाया जाने लगा। दर्जनों सफाई कर्मचारी एक साथ झाड़ू लेकर तैनात हो गए। जिस वार्ड में पीएम के आने की उम्मीद है वहां आनन फानन में नए बेड लगा दिए गए। सिविल हॉस्पिटल मोरबी में इस वक्त हम उस वार्ड में हैं जहां पर मोरबी ब्रिज कोलैप्स के जो विक्टिम्स हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, उन्हें रखा गया है। यहां पर कई तरह की चीज़ें बदली है क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने लगाया है। अगर फर्ज करें ये बेड की अगर आप बात करें तो ये बेड बदला गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि नया बेड जो है वो यहाँ पर लाकर लगाया गया है। तो जो नया बेड है उसकी प्लास्टिक वगैरह निकाली गई है, तो बेडिंग जो है ये चेंज की गई है हॉस्पिटल में। अच्छे बेड जो है वो इस वार्ड में ला के लगा दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शायद प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आएंगे, उन लोगों से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं उनसे। जो वाटर कूलर महीनों से काम नहीं कर रहा था और जंग खा रहा था, उसकी जगह नया नवेला वाटर कूलर आ गया, उसके रखने का प्लेटफॉर्म बनने लगा। मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर मोरबी ब्रिज के हादसे के बाद जो लोग जख्मी हुए थे, जो मृतक थे, उन्हें लाया गया था। यहाँ के विपक्षी दलों का ये आरोप है कि अब यहाँ पर क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो उसके लिए तैयारियां की जा रही है। ये नया वाटर कूलर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, पुराना वाटर कूलर वहां पर रखा हुआ है जो काम नहीं कर रहा था कई दिनों से। नया वाटर कूलर जो है आप देखेंगे वो लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर जो हॉस्पिटल में नई चीजें हैं जैसे कि स्ट्रेचर्स लाए जा रहे हैं, टाइलिंग की जा रही है, साफ सफाई जो है, पेंटिंग जो है, उसका काम यहाँ पर आप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल में चमक दमक के साथ एक साथ कई सुविधाएं जुटने लगी तो सियासी पार्टियों ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि ये सब पीएम को दिखाने के लिए हो रहा है। 27 साल से जो नहीं हुआ वो अब रातों रात हो रहा है। कल रात को इधर मृतदेह रखने के लिए जगह नहीं थी, एक बेड पे तीन तीन चार चार मृतदेह रख के सुला रहे थे सबको, और इधर उसके जितने भी रिलेटिव लोग जो बैठे हुए थे उसको बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और कल जो भी मोदी जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी जो आ रहे हैं, उसके लिए ये हॉस्पिटल दुल्हन की जैसी सजाई जा रही है। आप देख रहे हो पूरी हॉस्पिटल को अभी मरम्मत चालू कर दिया है, कलर का काम चालू कर दिया है, और दूसरा अभी पीछे ब्लॉक का काम भी चालू कर दिया है, नया ब्लॉक डालने का काम चालू कर दिया है, और अंदर जो है बराबर है, अंदर पीने का पानी का व्यवस्था इतने साल में कभी नहीं बनाया था। अभी रातों रात सब फ्रिज वगैरह जो है, कूलर वगैरह सब चेंज कर दिया है, पुराना वाला साइड में कर दिया और नया वाला सब जगह पे रख दिया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने इस चमक दमक पर तीखे वार किए। कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी न रहे, इसका इंतजाम हो रहा है, शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंट बाजी में लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने एतराज करते हुए ट्वीट किया, रातों रात रंग पुताई की जा रही है ताकि कल पीएम मोदी के फोटोशूट में घटिया बिल्डिंग की पोल न खुल जाए। पीएम के दौरे से ही सही, लेकिन अगर घायलों को कुछ राहत मिल जाती है तो ये बेहतर है, लेकिन सियासी सवाल भी उतने ही जायज हैं कि क्या सुविधाएं बढ़ाने के लिए किसी वीआईपी के दौरे का ही इंतजार करना पड़ेगा। मोरबी से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।